सब्सक्राइब करने के लिए एंड में ग्रीन शो के टीवी लोगो पे क्लिक कीजिए। तमाम दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रखिए और शो देखने के बाद तबीयत ज्यादा खराब हो तो जहर खा लीजिए। जी हाँ, आज जो साहब मेरे स्टूडियो में बैठे हैं उनको जब मैंने पहली बार देखा था तो हराम है कि ने उर्दू का एक लफ्ज बोला अपनी परफॉर्मेंस में और वैसे रियल लाइफ में भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये औकात पे आ गए और अपनी कॉमेडी इन्हें उर्दू में करना शुरू की और रातों रात करोड़पति बन गए और अब ये सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं। सेक्स आई थिंक नॉट सो मच इनकी शक्ल देख के, लेकिन बाकी दो चीज़ें भरपूर हैं, स्पेशली ड्रग्स। ये क्वालिफिकेशन से डॉक्टर हैं और हरकतों से लवर। आइए देखते हैं कि YouTube और Facebook पे रोकड़ा और इज्जत कैसे कमाते हैं और ताकि हम सब अपनी नौकरियां और बीवियां छोड़ के इन जैसे बन जाएं। प्लीज वेलकम द एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड बाइसेक्सुअल मिस्टर दानिश अली। थैंक यू। वो आपके विकिपीडिया पेज पे लिखा था कि टैलेंटेड भी हैं आप और बाइसेक्सुअल भी, वहीं लिखा हुआ था। थैंक्स। ये बताएं कि मैंने आपके साथ कभी कोई फीमेल नहीं देखी, आप लोन वुल्फ हैं। Yeah, you mean you mean off camera? I'm married. मेरी शादी। Oh, अच्छा 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 अच्छा। Yeah, it's been 12 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, but she's camera shy, तो she doesn't like being on camera. ये बड़ा इंकशाफ हमें हुआ कि इनको भी लड़की मिल गई। आगे चलते हैं, ये बताएं कि अंग्रेजी स्टैंडअप से ठेलों पे रिश्ता बेचने का सफर कैसा रहा दानिश? सब बिक गए और अच्छा रहा। आई थिंक आई डिड क्वाइट वेल। Better than this show, but otherwise, it's pretty good. अभी भी इन्हें अंग्रेज़ी की जान छोड़ी नहीं है, मैं देख रहा हूँ। मैं उर्दू में पूछना जवाब लिए, बर्गर है ना ही? देखिए, आपका बर्गर टेस्ट मुझे, मेरे सारे वीडियोज़ जो है ना उर्दू में होते हैं। Yes, I know. अब क्योंकि मैं किसी और के शो पे आया हुआ हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा, आपको किसी के बाप की वो नहीं है। हाँ, मैं अब शौक से अंग्रेजी बोलूँगा। Okay, we will also try to catch up with him because he's very English. ये बताएं कि आप की कोई और जॉब भी है कि मतलब जिस तरह? नहीं, मैं सिर्फ कॉमेडियन हूँ फुल टाइम। आई ग्रेजुएटेड 2010 में एज अ डॉक्टर, उसके बाद से बस आई एम अ कॉमेडियन फुल टाइम। आप बता रहे थे कि आपका कोई डे जॉब भी है, कोई कंपाउंडर या पिंपिंग टाइप करते हैं ऑन द साइड के आप फुल टाइम कॉमेडी करते हैं? जस्ट फुल टाइम कॉमेडी। थैंक यू। जस्ट कॉमेडी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब आपकी शादी हो रही थी तो आपके ससुराल वालों ने बोला नहीं था कि ये मतलब आप असली में क्या करते हैं? यार, जब मेरी शादी हो रही थी मैं सिर्फ ए लेवल ग्रेजुएट था। अच्छा। तो उनके कोई इम्कान नहीं थे, मेरी जो बेगम है उनके अम्मी अबू के कोई इनकम, दे वर लाइक कि ये फेल बच्चा है। एंड एक्चुअली माय फादर इन लॉ और मेरे अब्बा दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ाते थे। अच्छा, वो भी कॉमेडियन थे? नहीं, वो वैसे ही मजाक उड़ाते थे वो, बस क्योंकि मैं दिख गया था सामने तो अच्छा, बस अच्छा, मजाक अच्छा, करना शुरू कर लेते। तो ये डील मतलब एज इज हुई थी? एज इज, कि यही लड़का है, इस एरर हाँ, उसने किया हुआ है और देख लें आप। या एंड आई हैव नॉट फेल्ड देम, आई एम एट दैट एग्जैक्ट लो एक्सपेक्टेशन। मनी वेल स्पेंट उनकी तरफ से? No, they उनका एक्सपेक्टेशन इतना लो था कि। अच्छा अच्छा। तो आप जहेज की लानत में बिलीव करते हैं? No. Did you say जहेज की लानत? जहेज की लानत, I would suggest के ना लोग लानत दें और ना जहेज दें, दोनों चीजें ना दें तो। अच्छा, अच्छा। और अगर जहेज देते हुए लानत दे रहे हैं तो अच्छा, might not turn out well. बड़ा जबरदस्त सोशल मैसेज दिया है। मैंने एक लिस्ट बनाई भी अपने ससुराल जो होने वाला है ना उनके लिए, मैं भी उसको शॉर्ट कर दूंगा, आपको दुआएं दूंगा मैं। आई होप आपकी उसमें मैं बंगला निकाल देता हूँ मैं, वो बाकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ और वो मुझे पता है, वो वाटर बेड का बड़ा शौक था बचपन से तो right. वो मांगा हुआ था उनसे। ये बताएं कि आप क्या एक कॉर्पोरेट होर हैं? आई लव दैट, दैट्स दीस आर सम, यू गॉट सम फनी जोक्स मैन, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। यस, आई विल, मैं आपका जवाब दूंगा हाँ, यस जी हूँ मैं। हैं तो ये शोज, कॉर्पोरेट शोज पकड़ने के लिए किसके साथ सोना पड़ता है, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड? देखिए, मैं आपके इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ। यानी सोना पड़ता, फ्री में काम मिल जाता है, ऐसी मेरिट पे? मैं इंटरनेट पे पैदा हुआ हूँ तो हमारे कॉर्पोरेट शोज भी करते हैं ना, मैंने आपको देखा इसलिए कह रहा हूँ। कॉर्पोरेट शोज जरूर करते हैं, बट ऐसे नहीं मिलते। नहीं नहीं, दे कॉल मी बिकॉज दे लाइक माई फनी वीडियोज ना। कोई अब मुझे लॉबिंग का दुनिया पता ही नहीं है, और लॉबिंग आप जो बात करें, आप मजाया बात करें, इट्स अ वेरी सीरियस स्किल सेट लॉबिंग करना एक एक्टर को। आई डोंट नो हाउ टू लॉबिंग, नहीं मैं सोने की बात कर रहा था, विच इज अ प्रीटी इजी स्किल सेट। जाए कपड़े उतारे और लेट जाए। गॉट इट। तो अरे, ये बताइए आप इतना खुश कैसे रहते हैं, क्या आप कोई दवाई लेते हैं या फिर जड़ी बूटी? आई लाइक टू ऑफ रोड, आई ऑफ रोड अलॉट ऑन द वीकेंड्स। ऑफ रोड करते हैं? ऑफ रोड लाइक गाड़ी चलाते हैं।
तो मुझे पिकनिकिंग और ऑफ रोडिंग का शौक है। अच्छा, मैं समझा ये ऑफ लोड करते हैं, जो कि सभी करते हैं, आजकल स्ट्रेस बहुत है ना इस वजह से। आप भी लोग भी ऑफ लोडिंग ट्राई कीजिएगा, इतनी खुश रहेंगे आप। और मैं एक आई डोंट वर्क वीकेंड्स, मैं सैटरडे संडे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने भी आपको कहा था कि सैटरडे को मेरा शो कर दें, आपने आगे से जवाब देखा फक यू। दानिश ये बताए कि आप फनी गाइस, दिस शो इज फनियर देन आई थॉट इट वुड बी, ऑनेस्टली यू आर प्रीटी फनी। दानिश ये बताए कि आपने आखिरी बार मसाज कब कराई थी? आई वॉन्ट टू से मेरी बेगम ने मेरे बर्थडे पे एक मसाज वाउचर मुझे दिलाया, ऑक्सीजन का, वन ऑफ दी स्पास, कोई स्पा था। हैप्पी एंडिंग मसाज, मैं मसाज पे गया बट आई डिड नॉट लाइक इट, तो नो। सो अच्छा अच्छा या वो आपको नेक्स्ट टाइम बेगम वाउचर देना, तो नो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी मोर वाउचर्स। अगर वो दें देखो उनको भी आगे कहीं से फ्री मिले होंगे। ओके, अगर के वाउचर को खरीदता नहीं है, अगर वाउचर मिलता भी है आई डाउट कि मैं आपको दूंगा। आपने आखिरी बार ठुमका कब मारा था तानिश? मे बी ऑन कैमरा, अपने वीडियोस में, हां, वीक और टू अगो, ऑफ कैमरा नॉट सो मच। नहीं नहीं, अच्छा वो वाले फंक्शन, बट आई एम नॉट, आई कैन मारो ठुमका मुझे कोई। वो आखिरी बार आपने स्विमिंग पूल में सुसु कब की थी? आई डोंट नो, सर बड़े अच्छे आपके अहम सवाल हैं। आई रियलाइज बड़े नेचुरल है, देखिए सबने की है जिंदगी में एक से ज्यादा बार, हो सकता है जब मैं 4-5 साल का किया हो पहले। अच्छा, अभी अगर आप कभी करें ना, दिल कर रहा हो कि यार कुछ डिफरेंट करते हैं। नो यू सी यू आप नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो खास केमिकल्स डाले होते हैं, मैंने सुना है। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाता है पानी, तो पता चल जाता है। सो जस्ट मैं अब जस्ट कलर ही चेंज होता है ना, ऐसा तो नहीं कि वो केमिकल वापस आ जाते हैं और आप कुछ वो कुछ भी। आजकल की साइंस बहुत आगे निकल गई है, कुछ भी हो सके। आई वुड नॉट एडवाइज इट एट द वेरी लीस्ट। अच्छा चले, कभी अगर आप करें ना तो खुद करके आप खुद बाहर निकल जाइएगा। अच्छा आखिरी बार सही मानों में हरामीपन कब किया था आपने? दानिश ये बताएं कि बड़े बूढ़े कहते थे कि गर्ल्स डिग फनी गाइज, ये कब कैसे और क्यों चेंज हुआ? क्योंकि अभी तो सारी जो लड़कियां वो वाकई बैड बॉयज चाह रही हैं और गैंगस्टर टाइप लोगों के उनको पसंद। आई गेस सो, मैंने ऑनेस्टली कॉमेडी इसलिए स्टार्ट की थी बच्चियों के लिए। या वेल आई वुडंट फ्रेज इट दैट वे, आई डिडंट से व्हाट ही सेड। आपको की लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चियों? मतलब आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द अटेंशन ऑफ फीमेल्स। तो बच्चियां बताना कहते हैं ना इसको, या जो हमारी आवाम देख रही है वो। बट योर हैंड जेस्टर्स से अदरवाइज, लाइक यू व्हाट वाज यू जस्ट, क्या किया मैंने? यहां हाथ लेके गया हूं मैं, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दैट्स फाइन, ओके। हां तो ये क्या है, अभी भी डिक करती हैं गर्ल्स फनी गाइस को? आई वुड नो, मुझे शादी हुए 12 साल हो गए, बट माई वाइफ आई कैन से डज नॉट लाफ, बिल्कुल भी नहीं हंसती मेरे जोक्स पे, थोड़ा सा भी नहीं हंसती। तो यूजली उनको मैं अपने वीडियोज नहीं दिखाता बिकॉज मेरा आई गेट डिमोर, शी इज जस्ट लाइक। दानिश हम चलते हैं अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ, ठीक है जी। नंबर वन, मेरे घर वालों को आज तक समझ नहीं आई कि मैं काम क्या करता हूँ। या ट्रू? अच्छा ओ यू टॉक अबाउट मी, अच्छा तो मैं You talk about yourself. Okay. नहीं, my parents know what I do. They know. Doctor मैंने इसलिए छोड़ दी कि अक्सर लोग चेकअप के लिए कपड़े उतार देते थे मेरे सामने। Agreed. छोड़ दी ना? It's uncomfortable. I especially now that I'm no longer a practicing doctor. बहुत अजीब होता अगर अब होता मेरे साथ, because मैं practicing doctor तो हूँ नहीं। ऐसे लोग आपको देखें कपड़े उतार देते, बहुत अजीब होता। I become. मैंने mainstream showbiz में आने की बहुत कोशिश की लेकिन लोग अजीब अजीब फरमाइश करते थे। Agreed. अच्छा उनके यहाँ तो होता है कास्टिंग काउच, आपके यहाँ क्या होता है कास्टिंग स्टूल? मतलब आई एम जस्ट फ्रॉम यूट्यूब है ना, कोई स्टैंड अप भी तो किया आपने? या हाँ आई गेस सो, उधर कोई कास्टिंग मंबो जंबो तो नहीं होता। मेरा मुकाबला फवाद खान हुमायूं और फवाद मुस्तफा से नहीं है। या देयर मच मोर फेमस देन मी, नहीं है। हाँ मेरा मुकाबला है, कंप्लीट द सेंटेंस, every YouTuber watching this. अगर मेरा फिर से जन्म होता तो मैं कॉमेडियन और होस्ट के बजाय किसी अमीर लड़की का शौहर होता। True के false? Yeah, ये I actually मैं तो ये हर दिन दुआ करता था कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी कर लूँ ताकि मुझे काम नहीं करना पड़े। फिर डील नहीं हुआ ना, वी बोथ, दोनों की एक्सपेक्टेशन था कि दूसरा के पास पैसे होंगे। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, फेल हो गया दोनों। एक्सपेक्टेशन थी कि इंप्रेशन भी यही था, बाद में पता चला कि कंगले नहीं, इंप्रेशन तो कभी भी नहीं था।
बट एक 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 दुआ थी, उम्मीद थी, एक उम्मीद थी वो भी फेल कि शायद लॉन से वो सोने के फुट्टे निकल जाए या कोई बाप दादा की। आई फील मैंने जो आई फील जो मैंने 10 साल इतनी मेहनत की है ना बीइंग अ क्लीन कॉमेडियन, वो आपने आज इस 2 मिनट में निकाल लिया। अभी भी क्लीन चल रहे हैं वैसे। मेरा जो 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक क्लीन कॉमेडियन हूँ, आपने उसको लेके जस्ट हाँ चले। आज अच्छी बात हुई कि दानिश अली की वर्जिनिटी लूज हो गई एज अ कॉमेडियन। दानिश ये बताएं कि पुराने जमाने की पॉर्न फिल्म्स और आज की पॉर्न फिल्म्स में क्या फर्क है, क्योंकि आपकी शक्ल से I'm a clean comic, man, come on। आगे चलते हैं, ये बताएं कि आप अपनी वीडियोस के लिए ये इतनी मशहूर एक्ट्रेस कैसे पकड़ लेते हैं like हरीम। ओके या सो कभी कभी आ जाते हैं गलती से उनको, दे जस्ट कॉल अस और वी कॉल देम और वो उनको क्या लगता है कि उनको भी करोड़ों मिलेंगे, जिस तरह बार हम अभी बात कर रहे थे कि वो मिलीनियर बिलीनियर बन जाते हैं, इसलिए कि ये क्या क्यों आते हैं ये लोग? यार उनको मेरे वीडियोस पसंद होंगे, आपके पास भी आते फ्री में आ जाते हैं आप, मैं भी तो फ्री में आया हूँ, इट्स द सेम थिंग। आपको मैंने बाउंस चेक दिया, आप देखें ऐसा ना बोले। ओके यस दैट्स ट्रू। इसका नाम है जीके सेगमेंट यानी कि जनरल नॉलेज, और इसका और है हाउ वेल डू आई नो मेनस्ट्रीम शोबिज आपकी तरफ से, ये बता देना क्लियर होता है। आई थिंक मैं इसमें तो फेल हो जाऊंगा। ऐमन खान की किससे शादी हुई हुई है? किसकी? ऐमन खान की। ऐमन खान को आपको बताऊंगा कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे? 5 मिलियन देखे तूने कभी 5 मिलियन फॉलोअर्स? इज शी द सिस्टर ऑफ मिनाल खान? यस। ओके मैं मिनाल खान को जानता हूँ। क्यों उसको क्यों जानता हूँ? क्योंकि हमने कुकिंग शो साथ किया था। अच्छा तुमने अपनी बहन के बारे में नहीं बताया? No. और अपनी बहन की मियाँ के बारे में बताया जो बहुत आरामी है? मुनीब भट्ट उनका नाम है। आप फेल हो गए पहले उसमें। जिंदगी गुजार है मैं 2 एक्ट्रेस के नाम बताएं। आई नो मैं इस शो का नाम क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आता है। नहीं क्योंकि ये यूट्यूब ट्रेंडिंग में आता है। हाँ बताएं बताएं। जिंदगी गुलजार है। यस। डोंट नो एनी एक्टर। उस्मान खालिद भट्ट तो नहीं है? नहीं बे। अच्छा फवाद खान एंड सनम सईद। फवाद खान दी दैट्स बिग। इसलिए मैंने इजी रखे थे, लेकिन आप इजी भी नहीं आते जो है ना, आप बहुत ही आउट ऑफ शोबे। 2 टके की औरत किस मशहूर ड्रामे का डायलॉग है? मिस्टर ट्रेंडिंग। ओके ये तो क्लीन है। यू हैव कंडीशन मी, अब मुझे पता नहीं होता एनीथिंग इज डर्टी और नॉट। आई डोंट नो ये कौन से शो का। उसका नाम है मेरे पास तुम हो, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का मोस्ट वॉच ड्रामा है एवर। वाओ आगे चलते चले, और कुछ नहीं तो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ रही है इस राउंड के। Not really, मैं इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखूंगा। When I leave, I will remember nothing of this. In fact, I may block it from memory. अच्छा अच्छा अच्छा। पाकिस्तानी अवार्ड शोज में अवार्ड जीतने का क्या तरीका होता है या क्या रेट चल रहा है? मुझे क्या पता, मैंने कभी अवार्ड नहीं जीता, आपको कुछ पता है तो बताओ। मायरा खान की किसी 3 फिल्मों के नाम बताएं। ओके दिस आई कैन डू। बल्कि डिड यू डू वन? नो यू डिडंट डू वन। मायरा खान तुम हो हम सब या तुम हो बोल 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 ओके वन बोल या एंड नहीं आई एम अ बिग फैन ऑफ मायरा। मायरा इज गुड। हमने हम सफर पूरा देखा है। आई कैन से बोल एंड आई कैन से सुपरस्टार शी हैड अ शॉर्ट वी एक्सेप्ट। ओके कोक स्टूडियो में सबसे ज्यादा किस गाने की मां बहन की है? आई वोंट से, यू नो व्हिच वन। कोको करीना। आई डिडंट से एनीथिंग। कोई पाकिस्तानी फिल्मों के नाम बताएं मायरा के अलावा। पाकिस्तानी फिल्म्स यस इन लोगों में क्या चीज कॉमन है? आसिम और हानिया, यासिर और इकरा, ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी। ये कुछ आइडिया है ये लोग कौन है? Yes, I know all of them. All of them? Yes. आसिम is dating or engaged to the other girl you mentioned. हानिया। यासिर is engaged to इकरा। Yeah, and I've met इकरा at a show. और आसिम आई नो, आसिम मेरे पड़ोसी में होता था पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। और चौथा जो सबसे ज्यादा आईटी कपल चल रहा है ना आजकल, वो है मी एंड माया अली। दीज आर डर्टी जोक्स एंड आई डोंट एंडोर्स देम। किड्स स्टे अवे। आईटी कपल पता है वो क्या होता है? वो मैगजीन में लिखा होता आईटी कपल ऑफ द ईयर। ओह इट क्राउड लाइक यू मीन लाइक दैट। इट होता है वो। दानिश एक लड़की में पहली और आखिरी चीज क्या देखते हैं आप? पहली और आखिरी चीज क्या देखता हूँ लड़की में? Well, because I'm married, I will say आपके कह दे सेफ है। हाँ वही कह रहा था यार। अच्छा मैं कुछ तो कह दे यार। 150 सवाल मैं इनसे पूछ चुका हूँ, एक का हराम इनने कोई जवाब मुझे दिया हो आगे से। ऊपर से नसीहतें कर रहे हैं। ये है हमारा बर्गर टेस्ट, क्योंकि आप
एक बर्गर है, ये बताएं गोविंदा की तीन फिल्मों के नाम बताएं। गोविंदा, यस, लाइक आई नो द सॉन्ग, किसी डिस्को में जाएं। चलो एक भी बहुत है। चिकन टिक्का कितने का होता है? टिक्का प्रॉब्ली 200-300 का खाता हूँ। दो के तीन आजकल की महंगाई में चले 300 का। मैनुअल गाड़ी में कितने गियर होते हैं? नहीं, दिस आई नो, 15 गियर। ओके, आई एम जॉइंग 5, इट डिपेंड्स, दिस 6 इफ इट्स रिवर्स। तीन पंजाबी फिल्मों के नाम बताएं। मैनू तैनू एंड कैनू। मैं बताता हूँ, पापी दिया चूड़ियाँ, सिर्फ चूड़ियाँ और मजाजन, कभी नाम सुने आपने? सुपर हिट फिल्म है। कराची की कोई एक बस का नंबर और रूट बताएं। दाता कोच होता था या R1 होता था? कहाँ जाता है R1? दाता कोच जाता था लालाजार से लेके खड्डा मार्केट, आई थिंक। गुड पास, वेरी गुड। लेता था मैं एट बस एट 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 राउंड जब मैं 20 साल का था कुछ। अच्छा अच्छा, उमर शरीफ का कोई जोक सुनाए। नहीं, इस तरह मुझे फिल्मबदी तो नहीं पता होगा उमर शरीफ का जोक, बट इज अ लेजेंड। मरी बेर कितने की है? आई फील आई एम गोइंग टू फे, आई एम नॉट आंसरिंग दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। मरी बेर, नो। देखिए मरी बेर जो है ना, वो तो बर्गरों को भी पता होगी क्योंकि वो चढ़ती चलती है, तो मैंने देखा है बड़े बड़े हाई क्लास लोग भी वो पी रहे होते हैं कि यार इसमें एक में काम हो जाता है। नो। शरबत-ए-फौलाद क्या होता है? तानी जितना गुड लुकिंग होना आपके लिए मुश्किल होता है, आप उपटन लगाते हैं। ये व्हाट द लास्ट थिंग यू सेड? उपटन, उपटन लगाते हैं। ये क्या होता है? उपटन नहीं, वो होती है वो जो दुल्हनों को लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं आपने प्यारा होने के लिए। जी जी जी, ये है हमारा एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट, जो मैं पहला लफ्ज बोलूंगा, आपके दिमाग में जो पहला लफ्ज आए वो आपने मुझे वापस भेज देना। रेडी हैं? इम्प्रोव कॉमेडी। थैंक गॉड इट्स नॉट डर्टी। इम्प्रोव एनर्जी। माहिरा खान। प्रोफेशनल। अवार्ड फंक्शंस। अनप्रोफेशनल। हेकलर्स। अ पेन इन द रियर। पाकिस्तानी सिनेमा। अ पेन इन द रियर। नो, आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग, आई जस्ट होप इट गेट्स बेटर। स्क्रिप्ट नहीं होता आप लोगों के पास, प्लीज खुदा के लिए स्क्रिप्ट लिख लें तो मैं देख लूंगा आके। मैं उनको बता दूंगा जो लोग बनाते हैं। टोटे। चाय की कॉफी? नीदर, मैं नहीं पीता, सॉरी। बिरयानी के निहारी? बिरयानी एंड देन निहारी। अली जफर के आतिफ? मैं दोनों से मिला तो नहीं हूँ, आई कांट रियली कमेंट। बॉक्सर्स के ब्रीफ्स? ब्रीफ पता नहीं क्या होता है आपको? जी जी सर, थैंक यू। बॉक्सर्स। मायरा के महविश? मायरा। उर्दू में कॉमेडी के इंग्लिश में कॉमेडी? दोनों में चल सकता है, इंग्लिश में भी करें उर्दू में भी करें। स्टैंड अप के होस्टिंग? स्टैंड अप होस्टिंग इज द वर्स्ट। हीरा मंडी या ये नेपियर रोड, आपकी प्रेफरेंस क्या है? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स एंड स्वीट वर्ड्स, हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, और आप आए और आपने हमारे शो की माँ बहन कर दी। थैंक यू, प्लीज कम अगेन। नो, आई विल नॉट कम अगेन। ही विल, जब ब्रांड होगा जब तो आएंगे ना। हाँ, आ जाऊंगा। और आप लोग इनके वीडियोस प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें। आई डोंट नो व्हाई आई हैव जस्ट कमिटेड करियर सुसाइड, बट ठीक है, कर लें, गो अहेड, लाइक दिस वीडियो।